हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे टेंथ क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन पीटी टू एग्जाम का पेपर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का और सबसे पहले सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं फर्स्ट इज व्हेन वाज़ द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म नोटिस्ड इन यूरोप यूरोप में पहला क्लियर एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का नोटिस किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर सो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था सेवनटीन एटी नाइन में बी ऑप्शन इज करेक्ट नाउ वॉट वॉज यंग इटली यंग इटली ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसे जूसेफे मार्जिनी ने फाउंड किया था इन एटीन थर्टी वन और इसे क्रिएट किया गया था इटली की यूनिफिकेशन के लिए नेक्स्ट इज डायरेक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन हैं ए ट्रू आर फॉल्स ओके असर्शन है वेन साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया जब साइमन कमीशन इंडिया में आया इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन तो लोगों ने उसे ग्रीट किया गो बैक साइमन साइमन वापिस जाओ के स्लोगन से यह ट्रू स्टेटमेंट है दिस हैपन अब रीज़न क्या है ये हुआ एज महात्मा गांधी वॉज ऑन डांडी मार्च डूरिंग दैट टाइम ये गलत है साइमन कमीशन इंडिया में आया था नाइनटीन ट्वेंटी एट में और महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था नाइनटीन थर्टी में उसके दो साल बाद सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए साइमन कमीशन गो बैक इसलिए कहा था लोगों ने क्योंकि उस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन फॉल्स है सो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स इसमें करेक्ट होगा सी ऑप्शन नेक्स्ट इज वॉट वॉज द एम ऑफ चिपको मोवमेंट चिपको मोवमेंट में लोग पेड़ों को कटने से रोकते थे बाई हगिंग दैम सो इसका मेन एम था फॉरेस्ट कंजर्वेशन नेक्स्ट इज वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल आर्ट समिट हेल्ड सबसे पहले इंटरनेशनल अर्थ समिट 1992 में हुई थी ब्राज़ील के रियोडी जेनेरियो में ए ऑप्शन इज करेक्ट नाउ नॉविच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स इनमें से कौन सा एक आर्ग्यूमेंट फेवर में नहीं है मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स के ठीक है पहले तो मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स ब्रिंग वाटर टू दोज एरियाज विथ सफ़र फ्रॉम वाटर स्केयरसिटी ये तो फेवर में है उन जगहों तक ये पानी पहुंचाते हैं जहाँ पर पानी की कमी है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बाई रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प करते हैं फ्लड कंट्रोल में ये भी सही है ये भी फेवर में ही है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिसप्लेसमेंट्स ये इसका नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत लार्ज स्केल पर लोगों को उन जगहों से डिसप्लेस करना पड़ता है जहाँ पर यह प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड उनका जो एक मीन ऑफ लाइव मीनस ऑफ लाइवलीहुड था वो भी खत्म हो जाता है सी so, ऑप्शन इसके फेवर में नहीं है बाकी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हमारी इंडस्ट्रीज और घरों के लिए ओके सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट न मैच द कॉलम एंड चूज द राइट ऑप्शन कॉलम को मैच करना है सही ऑप्शन को चूज करना है कॉलम वन में है फेरस नॉन फेरस प्रेशियस नॉन मेटालिक फेरस जिसमें आयरन होता है तो आयरन और ये फेरस है नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता सो so, बॉक्साइट ये अल्यूमिनियम का एक और है देन प्रिशियस मेटल है प्लाटिनम नॉन मेटालिक ग्रेनाइट ये मेटल नहीं है एक टाइप का रॉक है तो फर्स्ट ए टू ए टू बी थ्री ए टू बी थ्री सी वन डी फोर बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज मिनरल्स नीड टू बी कन्जर्व बिकॉज मिनरल्स को हमें कंजर्व करना चाहिए क्योंकि दे आर रिन्यूएबल रिन्यूएबल होते तो कंजर्व करने की जरूरत ही नहीं थी दे आर रिन्यूएबल मतलब खुद से रिन्यू हो जाते हैं दे आर डिप्लीटिंग रैपिडली बिल्कुल ये रैपिडली तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं ख़त्म हो रहे हैं इसलिए इनको कंजर्व करना है दे आर नीडिड फॉर कंट्रीज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये कंट्री की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए भी इन्हें कंजर्व करना है द देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी फास्ट फॉर्मेशन फास्ट होती तो भी हम कंजर्व ना करते कि जल्दी बन जाएंगे दोबारा इनकी फॉर्मेशन बहुत स्लो है तो इसमें सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही है बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट नाउ द स्पार्कल इन समूथपेस्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कुछ टूथपेस्ट में स्पार्कल होते हैं वो किसकी वजह से है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइका सी ऑप्शन इज करेक्ट ना विच मेजर सोशल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका ये एक पाई चार्ट आपको गिवन है हालांकि ये क्लियर नहीं है बहुत तो कौन सा वो सोशल ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसकी श्रीलंका में ये सिंगलाज हैं यहाँ पर सेवेंटी फोर परसेंट लिखा होगा सिंगलाज तो इसमें करेक्ट है ए ऑप्शन नेक्स्ट इज ये विजुअली इंपेयर्ड बच्चों के लिए हैं जो पाई चार्ट को नहीं देख सकते विच लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाई एन एक्ट पास इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में एक एक्ट पास हुआ था जिसमें डिक्लेयर uh, किया गया था कि श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज होगी सिंगला क्योंकि तो ज्यादातर लोग वही थे वहाँ पर सो बी ऑप्शन सही है नाउ स्टडी द फॉलोइंग कैरिकेचर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये कार्टून गिवन है ये जर्मनी का है तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट सिग्निफाइज द कार्टून इस कार्टून में क्या शो किया गया है आप एक कार देखेंगे जिसमें दो स्टेयरिंग व्हील्स हैं तो इसमें शो किया गया है प्रॉब्लम ऑफ टू पार्टी सिस्टम कार विध टू स्टेयरिंग प्रॉब्लम ऑफ अ कोल्यूजन गवर्नमेंट जैसे इस कार में दो स्टेयरिंग व्हील्स हैं तो दोनों ड्राइवर स्टेयर करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कार को स्टेयर करना उसी तरीके से कोल्यूजन गवर्नमेंट में क्योंकि दो से ज़्यादा पार्टीज रन करती है गवर्नमेंट को दो या उससे ज़्यादा तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में सोचती है तो इस वजह से गवर्नमेंट को रन करना मुश्किल हो जाता है सी ऑप्शन सही है नेक्स्ट अभी ये विजुअली इंपेयर बच्चों के लिए हैं, जो कार्टून नहीं देख सकते कोलिजन गवर्नमेंट का क्या मतलब है कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट फॉर्म बाय टू और मोर पार्टीज नाउ देर आर टू टाइप ऑफ तमिल फाउंड इन श्रीलंका श्रीलंका में दो तरह के तमिल मिलते हैं इंडियन तमिल है एक श्रीलंकन तमिल है सम तमिल आर रेफर टू एज इंडियन तमिल बिकॉज कुछ लोगों को इंडियन तमिल कहा जाता है क्योंकि द तमिल हुज फोर फादर्स कम फ्राम इंडिया एज अ प्लानेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कलोनियल पीरियड आर कॉल्ड एज इंडियन तामिल इन श्रीलंका यही करेक्ट आंसर है जब कलोनियल पीरियड में ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया से कुछ तामिल के लोगों को श्रीलंका में ले जाया गया था एज प्लानेशन वर्कर्स तो उसके बाद वो वहीं पर रह गए हमारे आज़ादी के बाद उन्हें कहा जाता है इंडियन तामिल तमिल एक इंडियन लैंग्वेज है इसलिए उनको इंडियन तामिल बोलते हैं ऐसा नहीं है तो इसमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन सही है ओनली वन फर्स्ट इज़ करेक्ट विच लीडर्स वर्क फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया किन लीडर्स ने इंडिया में कास्ट सिस्टम को एलिमिनेट करने के लिए वर्क किया है ज्योतिबा फुले ने किया ये एंटी कास्ट मूवमेंट के लीडर लीडर uh, थे बी आर अम्बेडकर इन्होंने महार मूवमेंट स्टार्ट किया था जो डिप्रेस क्लासेस थी उनके लिए महात्मा गांधी जो कास्ट में इन थी कुछ काम थे जो एक कास्ट के लोगों को ही करने होते थे उसके लिए इन्होंने काम किया पेरियार राम स्वामी नाइकर इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था तो ये सभी लीडर्स ने वर्क किया था एलिमिनेशन के लिए राजा राम मोहन रॉय मेनली सती सिस्टम के लिए जाने जाते हैं ना महात्मा गांधी उसमें एक ऑप्शन ज़्यादा है स्वामी डोके ठीक है पहला ही ऑप्शन सही है नेक्स्ट नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ वन पार्टी सिस्टम इनमें से किस कंट्री में वन पार्टी सिस्टम है तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ए ऑप्शन सही है द कोलीजन फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू बी रिकोगनाइज एज अ नेशनल पार्टी इज द कंडीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर नेशनल पार्टी बनना है तो उसकी क्या कंडीशन है इट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट सिक्स परसेंट ऑफ़ टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन फोर स्टेट्स बिल्कुल सही है अच्छा दो कंडीशंस हैं या तो आप टू परसेंट सीट्स लेकर आइए यानी कि इलेवन सीट्स लेकर आइए जो लोकसभा इलेक्शन होते हैं उनमें इलेवन सीट्स तीन डिफरेंट स्टेट्स में इन थ्री डिफरेंट स्टेट्स या फिर दूसरी कंडीशन ये है और या फिर सिक्स परसेंट टोटल वोट्स हो आपके पास लोकसभा इलेक्शन या फिर असेंबली इलेक्शन चार स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में और एटलीस्ट चार सीट्स हो लोकसभा में ठीक है ये दोनों या तो ये दोनों हो कि सिक्स परसेंट टोटल वोट्स हैं या फिर स्टेट uh, लोकसभा या फिर स्टेट के असेंबली इलेक्शन में चार स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में और एंड uh, ये एक एटलीस्ट चार सीट आपने लोकसभा में जीती हो या फिर सिंपल आपने ग्यारह सीट जीती हो लोकसभा इलेक्शन में तीन डिफरेंट स्टेट से ठीक है तो इनमें ये दोनों ही सही है ए एंड बी दोनों कंडीशन होनी चाहिए किसी भी पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए नेक्स्ट नाउ राम वांट्स मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस राम चाहता है कि ज़्यादा दिन उसको काम मिले बेटर वेजेस मिले लोकल स्कूल उसके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे Uh, कोई भी स्कूल में डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव ना हो उसके बच्चों के साथ दे वो भी लीडर बन सके गांव के तो राम कहाँ से बिलोंग करता है लैंडलेस रूरल लेबर लेबरर ही होगा क्योंकि गांव का लीडर वो बनना चाहता है उसके पास uh, ज्यादा काम उसको चाहिए बेटर वेजेस चाहिए प्रॉस्पेरस फार्मर तो नहीं होगा लैंडलेस वर्कर अर्बन अर्बन नहीं है क्योंकि गाँव का हेड उसको बनना है ए ऑप्शन सही है नेक्स्ट इज नेट अटेंडेंस रेशो इज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ब्लैक अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेम एज ग्रुप सो इस सिक्स टू तो टेन ईयर्स के बच्चों के लिए है ये ऑप्शन में से कोई भी नहीं है नाइन एंड टेन नहीं फोर्टीन एंड फिफ्टीन टवेल्व एंड थर्टीन सिक्स टू टेन ईयर्स के जितने भी बच्चे हैं उस एज ग्रुप में उसमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जब रेशो आप फाइन करते हैं उसे बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशो तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है ऑप्शन मतलब ऑप्शन है ऑप्शन करेक्ट इसमें है नहीं सिक्स टू टेन ईयर्स के टोटल बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनका रेशो उन बच्चों के साथ जो उस एज ग्रुप के टोटल बच्चे हैं छः से दस साल के मान लीजिए टोटल एक कंट्री में हंड्रेड सो सौ बच्चे हैं इसमें से सिर्फ सेवेंटी फोर स्कूल जाते हैं तो सेवेंटी फोर परसेंट माँ का नेट अटेंडेंस रेशो होगा ओके नेक्स्ट इन्फांट मोर्टेलिटी रेट आई इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ ब्लैंक एज अ प्रोपोर्शन ऑफ थाउजेंड ये भी गलत है थाउजेंड लाइव बर्ड्स पर हम देखते हैं ठीक है इनफांड मोर्टेलिटी रेट इन्फांट्स तो एक साल के बच्चे वन एक साल में पर थाउजेंड लाइव बर्ड्स पर कितने बच्चों की डेथ हुई है उसे बोलते हैं इन्फांड मोर्टेलिटी रेट सो इन्फांट मोटेलिटी रेट इंडिकेट करता है हिंदी में भी गलत ही दिया है नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ वन ईयर एक साल से पहले जिनकी डेथ हो गई है एज अ प्रोपोर्शन ऑफ थाउजेंड लाइव चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर ओके नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डज़ नॉट बिलोंग टू द प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से क्या बिलोंग नहीं करता है फिशिंग है बैंकिंग नहीं है टर्शरी सेक्टर का पार्ट है बाकी माइनिंग फॉरेस्ट्री भी है बी ऑप्शन करेक्ट है एन आर ई जी ए नैशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट टू थाउजेंड फाइव गारंटी करता है कि आपको सौ दिन एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन uh, एक साल में इन मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वॉट इज़ द करेक्ट नंबर ऑफ डेज हंड्रेड डेज तक ये uh, एक साल में थ्री सिक्सटी फाइव डेज में से सौ दिन गारंटी देता है आपको एम्प्लॉयमेंट की बी ऑप्शन सही है नाउ सेक्शन बी ये थे एम सी क्यूज नेरेटिव क्वेश्चन रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग एक इंपॉर्टेंट टास्क है इनलिस्ट करिए एनी टू स्टेप्स टेकन टू कम्प्लीट दिस टास्क ये रिसोर्स प्लानिंग के लिए तीन हमारे स्टेप्स हैं सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे हम नंबर वन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑफ रिसोर्सिस Across द uh, regions of रीजन्स ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाई किया कहाँ पर रिसोर्सेज हैं किन रीजन्स में फिर uh, planning structure evolve करेंगे डिफरेंट uh, टेक्नोलॉजी क्या स्किल क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप हमें चाहिए उन्हें एक्स्ट्रैक्ट करने के लिए Then, uh, second is सेकेंड इज अप्रोप्रिएट इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करना इसमें हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप इंप्लीमेंट करते हैं इंस्टीट्यूशनल सेटअप इज इंप्लीमेंटेड फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान फिर हमारा जो डेवलपमेंट प्लान है उसको मैच करते हैं ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ नंबर थ्री मैचिंग कोई भी दो स्टेप्स आप लिख सकते हैं मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान ओके स्पेस नहीं है इतना चलो ठीक है ये क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में ना जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जॉइंट डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम जहां पर स्टेट और जो लोकल कम्युनिटीज हैं ये उनका एक जॉइंट वेंचर होता है पार्टनरशिप होती है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए जो जरूरी है नेचुरल वेजिटेशन ऑन वाइल्ड लाइफ के लिए थ्रो सम थ्रो सम लाइट ऑन दिस स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ आपको प्रकाश डालना है तो एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या है सो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज जॉइंट इज अ प्रोग्राम इन विच in which there is partnership partnership between the state forest department department and uh, the local communities communities that do depend on forest per that depend on those फॉरेस्ट ओके okay. इसमें कुछ पावर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कुछ पावर स्टेट के पास होती है कुछ लोकल अथॉरिटीज़ के पास होती है उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी सो so, कितने मार्क का क्वेश्चन नहीं है टू मार्क का है तो चलो एक हमने बता दिया कि है क्या ये एक पार्टनरशिप है लोकल अथॉरिटीज़ और स्टेट का जो फॉरेस्ट uh, डिपार्टमेंट है उन दोनों के बीच में एंड इट इन वे कॉन्ट्रैक्ट होता है इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्ट जिसमें स्पेसीफाई किया होता है स्पेसिफाइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफब्यूशन ऑफ अथॉरिटीज़ अथॉरिटीज़ एंड बेनिफिट्स उससे जो बेनिफिट्स होंगे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट क्या बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं लोकल अथॉरिटीज़ क्या कर सकती है क्या दोनों के उनके पास क्या अथॉरिटीज़ हैं पावर है उन फॉरेस्ट को लेकर तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है बिटवीन विलेज एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओके नेक्स्ट ना हाउ इज कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम बेल्जियम में जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होती है बेल्जियम में सेंटर स्टेट और एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट होती है कम्युनिटी गवर्नमेंट तो इसमें जो वहाँ के डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं डच फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनकी वो अपनी गवर्नमेंट चूज़ करते हैं और वो जो गवर्नमेंट है वो फिर अपनी उस लैंग्वेज के कल्चर से रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड लैंग्वेज रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उन पर लॉज बनाती है उन्हें हैंडल करती है सो हाउ इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड इन बेल्जियम सो द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज इलेक्टेड बाय बाय पीपल बिलोंगिंग टू बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज कम्युनिटी बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी कम्युनिटी डच फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग को वो कहीं भी रहते हो नो मैटर वेयर दे लिव वो मतलब उस पर्टिकुलर जगह की गवर्नमेंट नहीं है ऑल ओवर बेल्जियम में जितने भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं उनकी अलग एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी फ्रेंच स्पीकिंग की अलग डच स्पीकिंग की अलग नो मैटर वेयर दे लिव ओके देन विद विच कंट्रीज डज बेल्जियम शेयर इट्स बॉर्डर बेल्जियम किन कंट्रीज के साथ uh, अपनी बाउंड्री शेयर करता है देख लेते हैं हम आप में बाकी फ्रांस जो है जर्मनी है देखिए ये है बेल्जियम सो जर्मनी के साथ बाउंड्री शेयर करता है ऊपर नैदरलैंडस के साथ ये लेग्जम्बर्ग है और ये है फ्रांस ठीक है फ्रांस लेगजबर्ग जर्मनी एंड नदरलैंडस ओके नेक्स्ट इज वाट मे बी अ डेवलपमेंट गोल ऑफ अ गर्ल हु बिलोंग्स टू अ रिच अर्बन फैमिली कोई अगर लड़की है रिच अर्बन फैमिली से बिलोंग करती है तो उसके क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं हायर एजुकेशन परस्यू करना अब्रॉड में परस्यू हायर एजुकेशन क्योंकि अर्बन एरिया में तो रह ही रही है कहीं बाहर उसको जाना हो अब्रॉड अपना खुद का करियर पाथ चूज़ करना आ, फैमिली में इक्वालिटी मिले उसको जो आ, सन होगा उस फैमिली में उसके जितनी आ, अचीव अचीव जेंडर इक्वालिटी विद इन द फैमिली ये गोल हो सकता है अगर नहीं है इक्वालिटी जेंडर इक्वालिटी विद इन द फैमिली खुद के डिसीजंस वो ले सके विद इन द फैमिली कितने लिखने हैं एक ही लिखना है ठीक है एव द फ्रीडम टू चूज हर ओन करियर पाथ ये एक उसका डेवलपमेंटल गोल हो सकता है सोशल कॉज में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ओके ठीक है नेक्स्ट सेक्शन सी ये थ्री मार्कर्स हैं द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड not कम अबाउट ओनली थ्रू wars एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन सिर्फ टेरिटरी को एक्सपैंड करने से और वॉर्स से ही नेशनलिज्म डेवलप नहीं होता है कल्चर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन एलाबोरेट करिए अपन दिस स्टेटमेंट तो डिफरेंट जो नेशनलिज्म यूरोप में जब स्टार्ट हुआ या फिर इंडिया में भी अगर हम देखें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आर्ट ने पोएट्री ने जो डांस फॉर्म्स हैं हमारे फोक डांस हैं फोक सॉन्ग्स हैं उन्होंने तो नेशनलिज्म सिर्फ वॉर से ही नहीं आता है कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये थ्री मार्क का क्वेश्चन है तो तीन पॉइंट्स इसके फेवर में आप लिखेंगे दैट आर्ट पोएट्री स्टोरीज एंड म्यूज़िक आप में जो नेशनलिज्म की फीलिंग है देशभक्ति की फीलिंग है वो किसी वॉर से वॉर की वजह से नहीं आई है आपने कहानियाँ सुनी होंगी कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके बारे में उनकी वजह से म्यूजिक इस तरह, तरह का होता है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोइट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारी हिंदी में हिं, हिंदी या इंग्लिश में आपकी बुक में भी पोएम्स हैं तो ये हेल्प करते हैं दीज हेल्प इन शेपिंग नेशनलिज्म फीलिंग नेशनलिस्ट फीलिंग

नेशन की जो स्पिरिट है वो वहाँ के फोक सॉन्ग्स में फोक डांस में है तो जब सॉन्ग सुनते हैं डांस देखते हैं हम वहाँ से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होते है रोमांटिसिज्म ये एक कल्चरल मोमेंट था जो लोगों के इमोशंस पर वर्क करता था रोमांटिसिज्म अ कल्चरल मोमेंट दैट कल्चरल मूवमेंट दैट फोकस्ड

तो सिर्फ वॉर ही नहीं जो कल्चर है हमारा वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों में नेशनलिज्म की के आइडिया को क्रिएट करने में जैसे आर्ट पोएट्री स्टोरीज म्यूजिक हेल्प करते हैं नेशनलिस्ट फीलिंग्स को शेप करने में फोक डांस और जो सॉन्ग्स हैं उन्हें एक ट्रू एक्सप्रेशन कहा जाता है नेशन की स्पिरिट का देन रोमांटिसिज्म ये कल्चरल मूवमेंट था जिस जो फोकस कर ये जो फोकस करता है लोगों के इमोशंस पर जिसका एम होता है टू क्रिएट अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल ओके नेक्स्ट नौ थ्री अर्ली सत्याग्रह मोमेंट वर ऑर्गेनाइज बाय महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने कौन से तीन अर्ली सत्याग्रह ऑर्गेनाइज़ किए थे सबसे पहले चंपारण मूवमेंट नंबर वन थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन भी आप कर देंगे चंपारण मूवमेंट इन नाइनटीन सेवनटीन नाइनटीन सेवनटीन ये बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो इंडिगो वर्कर्स थे बिहार चम्पारण डिस्ट्रिक के इंडिगो वर्कर्स इंडिगो कल्टीवेटर्स को सपोर्ट करने के लिए था कल्टीवेटर्स के लिए था ठीक है देन सेकेंड था खेड़ा सत्याग्रह उसके एक साल बाद सत्याग्रह 1918 में सत्याग्रह इन नाइनटीन uh, एटीन ये खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात के गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे किसान थे उनको सपोर्ट करने के लिए था हेवी टैक्सेस लिवाई किए हुए थे ब्रिटिशर्स ने उसके अगेंस्ट अंड नाइनटीन एटीन में ही अहमदाबाद सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह ठीक है जो डिस्प्यूट चल रही थी मिल ओनर्स और मिल वर्कर्स के बीच में वर्कर्स की के सपोर्ट के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह था ओके नेक्स्ट ना फॉर द बेटरमेंट ऑफ फार्मर्स फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए उनकी भलाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद सम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स कुछ सुधार किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वॉट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दीज रिफॉर्म्स आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू ऑन रिफॉर्म्स के प्रति सो so, कुछ रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए क्रॉप इंश्योरेंस अगर क्रॉप ख़राब हो जाती है इंश्योरेंस किसी भी वजह से ड्रॉट सूखा पड़ गया कहीं पर फ्लड बाढ़ आ गई या फिर आग लग गई कोई डिजीज़ फैल गई उसमें क्रॉप में तो क्रॉप फेलियर के बाद गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि मिनिमम इतना पैसा तो जो किसान है उनको मिले ही थोड़ा सा एक्सप्लेन आप कर देंगे फिर ग्रामीण बैंक्स बनवाए हैं ताकि लोगों को इजीली क्रेडिट मिल सके ग्रामीण बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये जो बैंक्स हैं सोसाइटीज़ हैं ये लोन प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर ताकि वो जो ज़मींदार्स हैं उनसे लोन ना लें और एक जो विशेष सर्कल हो जाता है इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा वो चार्ज करते हैं उनसे उस सर्कल में उस विशेष सर्कल में वो ना फंसे देन गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी बनाई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के मिनिमम इतना प्राइस तो किसानों uh, uh, को देना ही होगा अगर आपको उनकी क्रॉप परचेज करनी है सपोर्ट प्राइस पॉलिसी पॉलिसी टू सपोर्ट फार्मर्स देन सब्सिडीज़ गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड कराती है सब्सिडीज़ जैसे पावर सब्सिडीज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी उन्हें सस्ती मिलती है फ़र्टिलाइजर्स मिलते हैं सब्सिडाइज रेट पर ठीक है और किसान किसान क्रेडिट कार्ड नंबर फाइव वैसे ये भी थ्री मार्क का ही क्वेश्चन है किसान किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी ये एक स्कीम है जिससे फार्मर्स को इजीली एक्सेस मिलता है क्रेडिट का आसानी से उन्हें जब जरूरत होती है तब उधार मिल जाता है कुछ अगर उन्हें परचेज करना है बीज लाना है इनपुट्स खरीदने हैं कोई मशीनरी खरीदनी है उसके लिए ठीक है तो क्रॉप इंश्योरेंस ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है गवर्नमेंट ने ग्रामीण बैंक्स बनाए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स किए हैं सब्सिडीज़ दी है किसानों को एंड किसान क्रेडिट कार्ड ओके नेक्स्ट कोई भी तीन पॉइंट्स आप लिख देंगे नाउ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर फेसिंग सम चैलेंजेस कुछ चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में फेस करती है गिव योर व्यूज़ ऑन एनी टू चैलेंजेस कोई भी दो चैलेंजेस आपको लिखने हैं सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है जो लीडर्स हैं जो टॉप लीडर्स हैं या फिर कुछ इंडिविजुअल कुछ फैमिलीज ही कंट्रोल करती है पूरी पार्टी को सो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इंटरनल डेमोक्रेसी ये एक्सप्लेन आपको करना होगा थोड़ा थोड़ा डेमोक्रेसी हम सिर्फ पॉइंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं अभी इसमें आप लिख देंगे दैट मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वेयर लीडरशिप पोजीशन आर कंट्रोल्ड बाई ओनली अ फ्यू इंडिविजुअल कुछ ही लोग हैं जो लीडरशिप Uh, को कंट्रोल करके रखते हैं उस पोजीशन को या फिर फैमिली और जो यंग टैलेंटेड लीडर्स हैं पार्टी में वो uh, इस वजह से ऊपर नहीं उठ पाते हैं दिस प्रिवेंट यंग एंड टैलेंटेड लीडर्स फ्रॉम राइजिंग विद इन द पार्टी रैक्स ओके देन सेकेंड एक जो मेन प्रॉब्लम है वो है करप्शन करप्शन एंड मनी पावर एंड मनी पावर इलेक्शंस में मनी uh, को यूज़ करना मनी के इन्फ्लुएंस से इलेक्शंस जीतना ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है इंडिया में जो इलेक्शंस है वो इस वजह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाते हैं तो बहुत ज़्यादा पार्टीज़ लाई करती है लार्ज डोनेशंस पर जिसकी वजह से विच मेन लीड टू करप्शन और फेवरेटिज़म होता है तो ये अकाउंटेबिलिटी रिड्यूस होती है पब्लिक में उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की देन क्रिमिनलाइजेशन बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं पार्टीज़ में जो इलेक्शन लड़ते हैं क्रिमिनलाइजेशन जो लोगों को डराते हैं थ्रेट की वजह से लोगों को उन्हें वोट देना पड़ता है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़

यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होती है टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर रेगुलर लोगों के पास अशॉर्ट वर्क होता है जो कि अनऑर्गेनाइज में कभी भी आपको निकाला जा सकता है रेगुलर या फिर आप कह सकते हैं पीपल हैव अशॉर्ड वर्क वर्क एंड यहाँ पर पीपल हैव नो गारंटी ऑफ वर्क व नो गारंटी ऑफ वर्क दे कैन बी रिमूव एनी टाइम कैन बी रिमूवड एनी टाइम देन ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं टाइम जो लॉज uh, हैं उनको स्ट्रिक्ट यहाँ पर फॉलो किया जाता है जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है अनऑर्गनाइज सेक्टर में उतना स्ट्रिक्टली रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं लेकिन दे आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड देन दो ही पॉइंट्स इसमें लिखने हैं तो कोई एक यहाँ पर फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं लीव्स होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब नहीं होता है लीव्स ओके देन नो सच फैसिलिटीज आर अवेलेबल मतलब अश्योर्ड नहीं है कि आपको मिलेगी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर देन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट एंड इसमें कोई भी आउटसाइड कंट्रोल uh, नहीं होता है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ओके नेक्स्ट ना नेक्स्ट इज अब सेक्शन डी है ये फाइव मार्कर्स हैं फाइव मार्क के फोर क्वेश्चन हैं या फोर मार्क के फाइव क्वेश्चन हैं फाइव मार्कर्स हैं पांच पॉइंट्स इसमें हम लिखेंगे एटलीस्ट यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज नॉट एन ईजी प्रोसेस टू टेक प्लेस इटली का यूनिफिकेशन इतनी आसानी से नहीं हुआ था हाउ इटालियन पीपल कम्पलीटेड दिस माम टास्क तो इतना बड़ा ये जो टास्क था इतना विशाल कार्य इटालियंस ने कैसे कम्प्लीट किया तो इटली के यूनिफिकेशन में नेशनलिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था लोगों के मन में देशभक्ति की फीलिंग थी नंबर वन रोल पहला पॉइंट होगा हमारा रोल ऑफ नेशनलिज्म तो जो एक ग्रोइंग फीलिंग थी द ग्रोइंग सेंस ऑफ स ऑफ नेशनलिज्म अमंग नेशनलिज्म अमंग इटालियंस उसने हेल्प किया इटालियंस हेल्प यूनाइट द वेरियस स्टेट्स जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्टेट्स थे यूनिफिकेशन में वो यूनाइट हो पाए और एक यूनिफाइड uh, इटली बना हेल्प यूनाइट द वेरियस स्टेट्स लोग चाहते थे पीपल बिगेन टू डिज़ायर लोगों ने शुरू किया टू डिज़ायर अ सिंगल एंड यूनिफाइड स्टेट टू डिज़ायर अ सिंगल एंड यूनिफाइड नेशनल स्टेट इंस्टेड ऑफ एक सिंगल यूनिफाइड स्टेट हो इसकी बजाय कि बहुत सारे डिफरेंट किंगडम्स में वो डिवाइडेड हो इंस्टेड ऑफ डिवाइडेड स्टेड ऑफ बींगो कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसके नेशनलिज्म में उनका रोल हम लिखेंगे लीडरशिप ऑफ मैटसिनी लीडरशिप ऑफ जू से मैटसिनी ये एक अर्ली नेशनलिस्ट लीडर थे इटली के इन्होंने दे वर द फाउंडर ऑफ़ ही वाज द फाउंडर ऑफ़ ही फाउंडेड यंग इटली यंग इटली एक सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने फाउंड की इन एटीन थर्टी वन जिस जिसने लोगों को इंस्पायर किया स्पेशली यूथ को कि वो जो फॉरेन कंट्रोल है उसके अगेंस्ट खड़े हो और इंटरनल डिविजन्स को रोकें जिससे कि इटली यूनिफाई हो सके ठीक है पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन आप कर देंगे

जिसकी वजह से नॉर्दर्न इटली बहुत सारे इनके कंट्रोल में आ गया था और उसको इन्होंने यूनिफाई किया कैबूर का आप लिख देंगे दैट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ किंगडम ऑफ सार्डीनिया पी एम ऑफ किंगडम ऑफ सारडीनिया ठीक है एंड ही वर्क डिप्लोमेटिकली टू फॉर्म अलायसेज पर्टिकुलरली विद फ्रांस देन दैन अ वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया विच कंट्रोल मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इटली देन गैरी बाल्डी इनको हटा देते हैं नैशनलिज्म का इंपॉर्टेंट रोल था फिर जूसअपे मैगजीनी को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे कैबूर को नंबर फोर गैरी बाल्डीज रोल बाल्डीज रोल इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो नॉर्दर्न इटली था और सदर्न इटली था उनको यूनाइट करने में दे हिज एफर्ट्स टू लिबरेट लिबरेट सदर्न स्टेट्स कैबूर ने नॉर्दर्न स्टेट्स को लिबरेट किया था टू लिबरेट सदर्न स्टेट्स एंड देन मर्ज देम विद एंड मर्ज देम विद नॉर्थ वर ये क्रूशल एक स्टेप था क्रूशियल एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था इन यूनिफाइंग द कंट्री द कंट्री अंडर वन रूल वन रूल देन बहुत डिप्लोमेसी से हुई uh, वॉर्ड बहुत लड़े गए डिप्लोमेसी एंड वार्स अ सीरीज ऑफ वॉर्स वर फॉर्ट बहुत सारे वॉर्स हुए ऑस्ट्रिया के साथ एटीन फिफ्टी एट में फिर पेपल स्टेट्स के साथ जिसे टेरिटरीज को इन्होंने लिबरेट किया फॉरन uh, इन्फ्लुएंस को रिड्यूस किया और फिर यूनिफाइड इटली की तरफ एक जो रास्ता था दे पेव्ड द वे फॉर अ यूनिफाइड इटली वेरियस स्टेट्स को एनेक्स annex किया एनेक्सेशन ऑफ वेरियस स्टेट्स एनेक्सेशन इसका अगर प्रॉपर आंसर हम देखते हैं तो बेटर होता वैसे आपकी बुक में होगा आप देख लेंगे ये सब पता होगा आपको बहुत सारे स्टेट जैसे सार्डीनिया को एनेक्स किया देन नेपल्स को किंगडम ऑफ नेपल्स पैपल स्टेट को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की वजह से मिलिट्री एक्शंस की वजह से फॉरेन सपोर्ट इनको मिला नंबर सेवन आप लिख सकते हैं सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन पावर स्पेशली फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया इटली के यूनिफिकेशन में फ्रॉम फॉरेन पावर्स की सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस ड्यूरिंग द सेकेंड इटालियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसने इसमें इसने इटली को हेल्प किया ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रिया को हराने में उसके बाद जो नॉर्दर्न इटली था वो यूनिफाई हो पाया और यूनिफिकेशन का प्रोसेस ईजी हुआ दैन जो रीजनल डिविजन्स थे लोगों में लोग कल्चरली डिफरेंट थे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे उसको ओवरकम किया नंबर एट बहुत सारे पॉइंट इसमें हो सकते हैं नंबर एट ओवरकमिंग रीजनल डिविजन्स डिवीजन्स लोगों के मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग फीलिंग जगह और फाइनली रोम को कैप्चर किया नंबर नाइन कैप्चर ऑफ रोम जो एक फाइनल स्टेप था ऑफ रोम इन एटीन एक बार जो जब रोम इटली का पार्ट बन गया तो उसको इन्होंने कैपिटल डिक्लेयर कर दिया एंड देन दिस कंप्लीटेड द यूनिफिकेशन प्रोसेस कैप्चर ऑफ़ रोम द फाइनल स्टेप इन यूनिफिकेशन वाज़ कैप्चर ऑफ रोम इन 1870 एंड वंस द सिटी बिकेम पार्ट ऑफ इटली इट वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल कंप्लीटिंग द यूनिफिकेशन प्रोसेस ओके okay? तो ये सारे पॉइंट्स आप एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों में देन माजजीनी का क्या रोल था कैबूर का क्या रोल था देन गारी बाल्टी का क्या रोल था किस तरीके से डिफरेंट वॉर्स इन्होंने लड़े एंड बहुत सारे स्टेट्स को अनेक्स किया फिर फॉरेन पावर का इनको सपोर्ट मिला फ्रांस ने सपोर्ट किया जो ऑस्ट्रिया था उसको हराने के लिए सेकेंड वॉर ऑफ़ इंडिपेंडेंस में देन रीजनल डिविजन्स को ओवरकम किया और फाइनली रोम को कैप्चर करके उसे कैपिटल बना दिया यूनिफाइड इटली का नेक्स्ट ना इसके और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेपोलियन कोड नेपोलियन कोड क्या था एक्सप्लेन करना है व्हाट वर द एडवांटेजेज एंड डिस एडवांटेजेज ऑफ नेपोलियन कोड नेपोलियन कोड के क्या एडवांटेजेस थे क्या डिसएडवान्टेजेज थे तो नेपोलियन कोड में तीन मेन बातें थी इक्वालिटी बिफोर द लॉ लॉ कानून के सामने सब इक्वल होंगे इक्वालिटी इस्टैब्लिश की थी नेपोलियन ने प्रॉपर्टी राइट्स दिए थे और जो कुछ प्रिवलेजेस थे उनको खत्म किया था सो नपोलियन कोड जिसको फ्रेंच सिविल को फ्रेंच सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है इट वॉज़ अ सेट ऑफ सेट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूज बाई नेपोलियन इंट्रोड्यूज बाय नेपोलियन लियोन अ दैट एम्ड जिसका एम था टू स्टैब्लिश लीगल इक्वालिटी लीगली कानून की नज़रों में सभी इक्वल equal होंगे इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन्स सिटीजन्स अबॉलिशिंग अबोलिशिंग फ्यूडल प्रिवलेजेस जो पहले कुछ प्रिवलेजेस मिलते थे बाई बर्थ लोगों को वो अबोलिश किए प्री विजेस एंड सॉलिडिफाइंग डिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अब लोगों को राइट दिया गया था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं जिससे कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी प्राइवेट प्रॉपर्टी ओके अब ये नेपोलियन कोड एडवांटेजेस एडवां अलग से लिखते हैं ठीक है थीके? ये हो गया कोड uh, क्या था इट वाज अ सेट ऑफ लॉज इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियन दैट एम्ड टू स्टैब्लिश और ये एटीन हंड्रेड एंड फोर में आए थे स्टैब्लिश लीगल इक्वालिटी फॉर ऑल सिटीजन अबॉलिश फ्यूडल प्रिवलेजेस एंड सॉलिडिफाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अब बेनिफिट्स थे एडवांटेजेस थे कि सब इक्वल हो गए थे एडवांटेजेस नंबर वन इक्वालिटी बिफोर द लॉ बिफोर द लॉ सभी सिटीजन्स बाय बर्थ इक्वल थे जितने भी फ्यूडल प्रिवलेजेस थे उन सबको इसने नेपोलियन ने ख़त्म किया प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए थे लोगों को प्रॉपर्टी सेकेंड बेनिफिट था प्रॉपर्टी राइट्स इट्स सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर सिटीजन्स जिससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी देन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइज uh, किया था एडमिनिस्ट्रेशन जिससे गवर्नेंस और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा जितने गिल्ड्स थे उन सबको अबॉलिश किया था नंबर फोर अबोलिशन ऑफ गिल्ड्स उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया था अभी लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते थे जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिकली डेवलप करेगा नेशन लीगल सिस्टम को इम्प्रूव किया था अभी इम्प्रूव हो गया था इम्प्रूवड लीगल सिस्टम नेपोलियन कोड ने कुछ स्टैंडर्डाइज लीगल सिस्टम प्रोवाइड कराया था जो पहले उससे पहले लोकल लॉज थे उन सबको हटाकर लीगल सिस्टम ठीक है ये बेनिफिट्स थे और डिसएडवांटेजेस क्या थे कि एक तो मेल डोमिनेंस था डिसएडवांटेजेस तेजस इसमें जो हजबेंड्स uh, थे उनकी अथॉरिटी ज़्यादा थी ओवर वाइफ्स वुमेंस राइट को लिमिट किया था ठीक है दोबारा से लिखते हैं इक्वालिटी एडवांटेजेस थे सब अब लॉज के कानून की नज़रों में सब इक्वल हो गए थे लोगों के पास प्रॉपर्टी राइट्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी वो ओन कर सकते थे एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल बना दिया था गिल्ड्स को हटा दिया था जो वो रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे रेस्ट्रिक्शंस थे उनके ऊपर ट्रेड के वो हटा दिए थे लीगल सिस्टम को इम्प्रूव किया था ना ख़राब बातें ये थी कि मेल डोमिनेंस था मेल कितने लिखने हैं फाइव माँ का क्वेश्चन है ठीक uh, है, है चलिए सो so, नंबर मेल डोमिनेंस इस कोड ने स्ट्रेंथन किया था डोमिनेंस द अथॉरिटी ऑफ मेल ओवर ओवर फीमेल लिमिटिंग वमेन इसी में आ जाएगा ये भी लिमिटिंग वुमेन्स राइट वुमेन के राइट right को लिमिट किया था देन पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड थी लिमिटेड पॉलिटिकल फ्रीडम कोई भी ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट uh, में पार्टिसिपेट कर सकता है जब लीगल इक्वालिटी स्टैब्लिश की गई तो इन्होंने पॉलिटिकल फ्रीडम को गारंटी नहीं किया था पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सभी के लिए अवेलेबल नहीं था देन फोर्स पुलिस कोड को uh, किया था उन नेशंस के ऊपर जिनको नेपोलियन ने कंकर किया था बाद में जीत लिया था इम्पोजिशन इम्पोजिशन ऑन कॉन्ड कॉन्ड टेरिटरीज जो भी टेरिटरीज टेरिटोरीज जीती नेपोलियन ने बाय डिफॉल्ट उनके ऊपर नेपोलियन कोड अप्लाई हो जाता था वैन नेपोलियन कॉन्कर्ट अदर रीजन द नेपोलियन कोड वॉज कोड वॉज ऑफन इम्पोस्ट जिसे लोकल जो लोग थे वो रिजेंट करते थे उसको अपोज करते थे तो ये डिस्ट्रप्शन रहता था उनके एग्जिस्टिंग वहाँ का पहले से ही जो रीजन जीता वहाँ का पहले से ही एक लीगल सिस्टम था उसको बिल्कुल हटाकर नेपोलियन कोड अप्लाई कर दिया जाता था देन ने ने एक नेगेटिव पॉइंट अगर फाइव भी लिखना है वैसे तो थ्री भी काफ़ी है फाइव मार्क का पूरा क्वेश्चन है उसमें आपको एक्सप्लेन भी करना है एडवांटेजेस डिसएडवाटेजेज भी लिखने हैं माइनॉरिटी राइट को कोई राइट्स नहीं थे उनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया नो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स या आप लिख सकते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटी थी या फिर जो एथनिक uh, माइनॉरिटीज थी वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉज नहीं बनाए गए ऑफ माइनॉरिटी राइट्स राइट्स देन इंक्रीज टैक्सेशन टैक्स को इंक्रीज किया गया उन टेरिटोरीज में जो नेपोलियन ने कॉन्कर uh, की थी इंक्रीज टैक्सेशन जो भी खर्च था वॉर का कॉन्कर uh, करने का वो उन्हीं से ही वसूला जाएगा ओके नेक्स्ट नाउ राजस्थान इज नोन फॉर देयर अंडरग्राउंड वाटर टैंक सिस्टम के लिए राजस्थान जाना जाता है इवालुएट दिस सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शनालिटी राजस्थान में अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं क्योंकि पानी की वैसे ही कमी है बारिश जब भी होती है तो घर की छतों पर जो पानी आता है उसको पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं बिल्कुल एक रूम के जितने कोर्ट यार्ड में ये होते हैं उसमें वो भर जाता है ताकि जब बाद में ज़रूरत हो जब वाटर स्केयरसिटी हो तब उसको यूज़ किया जा सके अब अगेन फाइव माह का क्वेश्चन है तो राजस्थान में इन इन एरिड और सेमी एरिड और सेमी एरिड जहाँ पर बारिश कम होती है रीजन्स ऑफ राजस्थान राजस्थान ऑलमोस्ट सभी घरों में ऑलमोस्ट ऑल दी हाउसेस हाउसेस ट्रेडिशनली हैड पहले से ही है ये हैड अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर अंडर ग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंकिंग वाटर ये बहुत ही रिलायबल सोर्सेज हैं सब आप नहीं लिख सकते हैं एक दो पॉइंट्स आप खुद भी लिख लेंगे दे आर एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वैन अदर सोर्सेज आर ड्राइडअप ये बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है बाकी सोर्सेज जब सूख जाते हैं जैसे कोई अगर स्ट्रीम है वहाँ पर या फिर कोई पौंड है तो उस टाइम पर यह पानी काम आता है क्योंकि ढका हुआ होता है ये ड्राई अप नहीं होता और ये प्योरेस्ट फॉर्म बताया जाता है ऑफ नेचुरल वाटर दिस इज़ कंसिडर्ड पॉइंट्स में लिख लेते हैं चलिए दिस इज़ कंसिडर्ड जो पॉइंट्स में आप लिखते हैं अगर फाइव पॉइंट्स आपने लिखे तो श्योर sure आपको फाइव मार्क्स मिलेंगे पैराग्राफ में अगर लिखते हैं तो वहाँ पे एक दो मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं दिस इज कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर अब उसके बारे में लिखते हैं जो यहाँ का वाटर टैंक्स होते हैं वो बिल्कुल एक रूम के जितने होते हैं द टैंक्स कैन बी एज लार्ज एज बिग रूम्स ठीक है देन ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है द टैंक्स द टैंक्स आर पार्ट ऑफ वेल डेवलप्ड रेन डेवलप्ड डेवलप्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक पार्ट है ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि वही के रूफ पर जो पानी आएगा पाइप के थ्रू उसको रेन वाटर को हार्वेस्ट करना कलेक्ट करना और स्टोर करके रखना देन जो टैंक्स है ये घर के अंदर बनाए जाते हैं जो कूलिंग इफेक्ट भी देते हैं रूम्स को समर्स में द टैंक्स वॉज बिल्ट इन साइड द मेन हाउस हाउस गिविंग अ कूलिंग इफेक्ट कूलिंग इफेक्ट टू द रूम्स इन समर्स इफेक्ट्स इन समर्स ठीक है ये जो टैंक्स है ये कनेक्टेड होते हैं पाइप से रूफ uh, तक स्लोपिंग जो रूफ है वहाँ तक नंबर फाइव दीज टैंक्स आर कनेक्टेड आर कनेक्टेड टू द रूफ विद 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 थ्रू अ पाइप थ्रू अ पाइप ठीक है देन रेन फॉलिंग ऑन दीज रूफ टॉप्स इन रूफ टॉप्स पर जब बारिश गिरती है वो ट्रैवल थ्रू द पाइप वो पाइप से होकर ट्रैवल करेगी एंड देन देटोर इन दीज अंडरग्राउंड टैंक्स इन अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर हो जाएगी और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट अक्सर जो फर्स्ट रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट नहीं किया जाता वो सिर्फ जो रूफ टॉप है उसकी क्लीनिंग के लिए रखते हैं ठीक है ये फाइव पॉइंट्स हमारे हो गए हैं बट इन दो को भी आप एक्सप्लेन कर देंगे तब ये कंप्लीट हुआ एक तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सेमी एरिड या जहाँ पर एरिड रीजन है राजस्थान के उनमें ऑलमोस्ट सभी घरों में ट्रेडिशनली अंडरग्राउंड टैंक्स हैं इसलिए ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए और ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इसको कहा जाता है ये टैंक्स एक बड़े रूम के जितने लार्ज हो सकते हैं तीस टैंक्स ये वेल डेवलप्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का पार्ट है ये टैंक्स घर के अंदर बनाए जाते हैं तो एक कूलिंग इफेक्ट भी रहता है समर्स में देन ये जो टैंक्स हैं ये रूफ से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ पाइप देन नंबर सिक्स रेन फॉलिंग फॉलिंग ऑन रूफ travel down uh, the pipe and stored in these tanks these tanks and number seven first rain water rain water is not collected is not collected uh, to clean the रूफ टॉप इट इज यूज टू क्लीन द रूफ टॉप्स एंड द पाइप वो पाइप और रूफ टॉप्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है उसे कलेक्ट नहीं किया जाता ओके नेक्स्ट नाउ नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का तीन हमारी लिस्ट है यूनियन लिस्ट जिसमें अच्छा सॉरी एक क्वेश्चन रह गया एक्सप्लेन द मेजर पहले चलो थ्री फोल्ड लेजिसलेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं सो दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लेजिस्टिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में थ्री वेज फर्स्ट है यूनियन लिस्ट इसमें वो सभी सब्जेक्ट्स हैं द यूनियन लिस्ट हैज़ द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स मेंशन है उनके ऊपर कानून बनाने के लिए हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो किसी स्टेट से रिलेटेड नहीं है नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं पूरे नेशन के लिए जरूरी है जैसे कि डिफेंस है इम्पोर्टेंस सच एज डिफेंस फॉरेन अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स एंड अफेयर्स एंड करेंसी बैंकिंग कम्युनिकेशन एटसेट्रा ठीक है तो ये सभी सब्जेक्ट्स आते हैं यूनियन लिस्ट में ठीक है जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है सेकेंड है स्टेट लिस्ट स्टेट लिस्ट द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस हैज़ द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ जो स्टेट से या लोकल लोकली इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगी तो वो स्टेट लिस्ट में है सभी सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इम्पॉर्टेंस जैसे कि ट्रेड है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं इंटरनेशनल ट्रेड नहीं विद इन द स्टेट या फिर इंटर स्टेट ट्रेड होगा सच एज इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे एग्रीकल्चर है ज एग्रीकल्चर इरीगेशन कॉमर्स ट्रेड पुलिस पुलिस स्टेट के अंडर होती है एक्सेट्रा देन एक तीसरी है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट इसके ऊपर दोनों यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना सकती है ये कुछ कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जैसे कि एजुकेशन इंटरेस्ट एजुकेशन आप देखेंगे जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो उनके ऊपर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं बाकी स्टेट के भी स्कूल्स होते हैं जो लोकल स्कूल्स हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको जो बाकी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो लुक आफ्टर करेगी सो एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड यूनियन अडोपशन मैरिज सक्सेशन ये अगर और कोई अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्करेंट लिस्ट में क्योंकि दोनों ही लॉज बना सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो लॉज में तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए हैं उनको आ, वो प्रिवेल करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के लॉज नहीं ओके okay? फॉरेस्ट और एट्सेट्रा चलिए एंड देन ये भी आप लिख देंगे पॉइंट इफ़ देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज मेड बाई यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दैन देन द यूनियन गवर्नमेंट्स लॉज प्रिवेल ओके नेक्स्ट अब इसके में क्वेश्चन हमारा रह गया था एक्सप्लेन द मेजर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म फेडरलिज्म मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या उसके मेन फीचर्स हैं एक तो सेपरेशन ऑफ पावर नंबर वन सेपरेशन ऑफ पावर्स पावर सेपरेटेड होती है जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव की लेजिसलेचर की पावर द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर जो लॉज बनाते हैं एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करते हैं और जुडिशरी देखते हैं कि वो प्रॉपरली फॉलो हुए हैं या नहीं तो इनके लिए जो पावर है किसी एक की अथॉरिटी में नहीं है सभी चीज़ें तीनों की अपनी अलग अलग पावर और तीनों ही अपने तरीके से पावरफुल है जितने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर है उतना ही एग्जीक्यूटिव है उतनी ही जुडिशरी है सेकेंड जो लेजिस्लेटिव पावर है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और जो एक लोकल गवर्नमेंट है उनके बीच में भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजस्लेटिव पावर्स उसने भी जो कानून बनाने के लिए अभी हमने देखा लेजिसलेटिव पावर्स उसको भी तीन लिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कहीं पर स्टेट और कहीं पर लोकल गवर्नमेंट को कुछ जो पावर्स हैं वो दी गई है तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन है की फीचर है फेडरलिज्म का दैन फेडरलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि वहाँ पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज की फीचर ऑफ फेडरलिज्म जुडिशरी अगर इंडिपेंडेंट होगी तो वो हम इंश्योर रहेंगे कि जो डिसीजनस हैं वो किसी के फेवर में नहीं लिए गए हैं दे आर फ्री फ्रॉम एनी फीयर एंड फेवर इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर देन फेडरलिज्म में मल्टी लेवल गवर्नमेंट होती है मल्टी लेवल गवर्नमेंट एक पूरे पूरी कंट्री की गवर्नमेंट होगी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट की होगी स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट इंडिया में ये थ्री टेयर गवर्नमेंट है देन एक और अगर लिखना हो क्योंकि फाइव मार्क का क्वेश्चन है एक है को एग्जिस्टेंस सभी जो गवर्नमेंट्स हैं सभी जो ऑर्गन्स हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सब को एग्जिस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है सबके पास अपनी पावर है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं को एग्जिस्टेंस द इंस्टीट्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फेडरलिज्म डिपेंड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ को एग्जिस्टेंस बिटवीन द मेनी टीयर ऑफ गवर्नमेंट ओके नेक्स्ट नाउ एज कंपेर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर ऑफ इंडिया इज गेनिंग मोर पॉपुलरिटी एंड बिकमिंग मोर हेल्पफुल इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के कंपेरिजन में जो टर्शरी सेक्टर सर्विस सेक्टर है वो ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है और ज्यादा हेल्पफुल है अभी जी डी पी की ग्रोथ में गिव योर वैल्यूएबल थॉट इन डिटेल ऑन दिस स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के ऊपर आपके क्या अवेलेबल थाट्स हैं तो सबसे पहले तो जो स, थर्शरी सेक्टर है वो सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी है सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी इंडिया जो है इकोनॉमी इंडियाज इकोनॉमी इज इंक्रीजिंगली बिकम सर्विस ड्रिवन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर्स हैं लाइक आईटी बैंकिंग आईटी बैंकिंग टेलीकम्युनिकेशन टेलीकॉम एंड हेल्थ केयर ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में ये रीज़न है कि टर्शरी सेक्टर ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ज़्यादा कंट्रीब्यूट uh, करता है जीडीपी में देन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत है सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन द टर्शरी सेक्टर इज प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली अर्बन एरियाज में प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इम्प्लॉयमेंट दोनों ही स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को यह अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बहुत सारी जॉब्स अभी हैं इन आई टी इन एजुकेशन इन रिटेल इन टूरिज्म तो इसलिए ये मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट करता है कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी में देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जैसे जैसे होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी स्पेशली आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और सर्विस सेक्टर में इंडिया हैज़ बिकम ए ग्लोबल हब बन गया सॉफ्टवेयर सर्विसेज का और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज ऐसी भी है जो आउटसोर्स करती है अपनी कुछ सर्विसेज को इंडिया में जैसे कॉल सेंटर्स आप देखते हैं ओके देन कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज होती जा रही है इसलिए भी सर्विस सेक्टर ज़्यादा बूम पर है इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड्स क्योंकि इंडिया में जो राइजिंग मिडिल क्लास हैं डिमांड्स दे हैज़ लीड टू इंक्रीज डिमांड्स फॉर सर्विसेज़ लाइक एजुकेशन लोगों में अभी एजुकेशन के प्रति ज़्यादा वो अवेयर हो गए हैं अबाउट हेल्थ केयर के बारे में एंटरटेनमेंट के बारे में तो इससे टर्शरी सेक्टर फर्दर एक्सपेंड करता है देन अर्बनाइजेशन uh, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी टर्शरी सेक्टर डिमांड में है ड्यू टू अर्बनाइजेशन पर अभी फोकस है एरियाज़ अर्बन हो रहे हैं जो रूरल एरियाज़ हैं वो भी एडवांस हो गए हैं एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर भी रोड्स बन गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो विद द रैपिड अर्बनाइजेशन देयर इज़ अ नीड फॉर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है रिटेल की ज़रूरत है जिससे इनकी वजह से टर्शरी सेक्टर फिर से एक्सपैंड होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी रोल है गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स चलाती है जैसे डिजिटल इंडिया स्किल इंडिया मेक इन इंडिया जिससे फर्दर जो सर्विस सेक्टर है वो इन्हांस होता है ठीक है एंड ठीक uh, है ये पॉइंट्स काफ़ी है सर्विस सेक्टर क्यों ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकॉनॉमी में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी है इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करता है एक्सपोर्ट अर्निंग्स uh, भी उससे हमें होती है चीज़ों को एक्सपोर्ट भी हम करते हैं जो फर्दर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंट्री की इकोनॉमी में ठीक है कोई भी फाइव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं सोशल साइंस में कोई भी पॉइंट रिलेटेड रिलेट अगर आप कर सके क्वेश्चन से वो सही है चलिए ये हो गया अब आते हैं सेक्शन ई e पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक सोर्स गिवन है रीड करिए फिर क्वेश्चन को आंसर करिए वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम फ्रीडम मेंट द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेसिस इन विच दे वर एनक्लोज एंड इट मीन्स रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम तो वर्ग हर किसी की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी का जो एक स्वराज का नोशन था उसके प्रति जैसे जो प्लांटेशन वर्कर्स थे आसाम में उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो फ्रीली इन एंड आउट मूव कर सकें उन कन्फाइंड स्पेसिस से जहाँ पर वो बंधे हुए थे काम कर रहे थे इसका मतलब कि उनका एक लिंक हो अपने विलेजेस के साथ जहाँ से वो आए हैं अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन बिना परमिशन के उन्हें टी गार्डन को छोड़कर वो नहीं जा सकते थे एंड इन फैक्ट दे वर रेयरली गिवन सच परमिशन और उनको वो मुश्किल से ही वो परमिशन मिलती थी वैन दे हर्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब उन्होंने सुना तो थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइन द डिफाइड दी अथॉरिटीज लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरी वन गुड गिवन लैंड इन देयर ओन विलेजेस उनको लगा कि गांधी राज आने वाला है और सबको उनके गाँव में ज़मीन मिलेगी दे हाव एवर नेवर रीच देर डेस्टिनेशन तक वो घर तक कभी पहुँचे ही नहीं स्टैंडर्ड ऑन द वे बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक देवर कॉड बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बिटन अप ओके ठीक है ये क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम आसाम के प्लांटेशन वर्कर्स के लिए स्वराज का मतलब था दिस द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कंफाइंड स्पेसिस इन विच देवर एनक्लोज इट मीन्स रिटेनिंग अ लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम फ्रीडम स्वराज का से उनका मतलब था कि वो आराम से फ्रीडम के साथ अंदर बाहर आ जा सके और जो उनका गांव है उसके साथ एक लिंक स्टाब्लिश कर सके नाउ एक्सप्लेन द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 फिफ्टी नाइन एज अ बैरियर ऑफ फ्रीडम टू फ्रीडम ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था जो बैरियर था प्लांटेशन वर्कर्स की मोवमेंट में उसमें कहा क्या कहा गया था दैट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव टी गार्डन्स विदाउट परमिशन बिना परमिशन के आप टी गार्डन्स को छोड़ नहीं सकते ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है एक्सप्लेन द मेन आउटकम ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या आउटकम रहा जब वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट uh, किया तो दे uh, 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 क्या हुआ कि देवर स्टैंडर्ड ऑन द वे एक रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक की वजह से uh, पुलिस ने उनको पकड़ लिया एंड देवर ब्रोटली बिटन अपक्स्ट एक और सोर्स है आंसर करना है क्वेश्चन को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इंडिया इज वेरीस when compared to other countries only 10% of total members in lok sabha are women the situation is worse in state assemblies where only 5% of total members are women the women reservation bill to encourage the participation of women is still pending since past decade women have entered into every field but they are still paid less uh, than their male counterparts proportion of women is highly proportion of women in highly paid jobs is still less and studies have shown that on an average they work more than men and yet paid less. although the equal remuneration act provide provision for equal wages should be paid for equal work ठीक है तो हमारा जो political participation है women का वो बाकी countries के comparison में बहुत कम है सिर्फ दस परसेंट वेमेन है लोकसभा में और स्टेट assemblies में तो और भी खराब कंडीशन है वहाँ पर सिर्फ पाँच परसेंट जो टोटल तो मेम्बर्स हैं वो वेमेन हैं वे वमेन रिजर्वेशन बिल अभी भी अटका हुआ है पेंडिंग है पिछले दस सालों से एक डेकेट से वेमेन लगभग हर फील्ड में एंटर कर चुकी है लेकिन फिर भी वो कम उनको पे किया जाता है उनके मेल काउंटर पार्ट से प्रोपोर्शन हाई पेड जॉब्स में अगर आप वुमेन का प्रोपोर्शन देखेंगे वो अभी भी कम है और स्टडीज शो करती है कि ऑन एन एवरेज वो मेल से मेन से ज़्यादा काम करती हैं स्टिल उनको कम पे किया जाता है ऑल जो इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है वो प्रोवाइड कराता है प्रोविजन की इक्वल काम के लिए इक्वल पैसे दिए जाएँ ठीक है वॉट इज द स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर में क्या स्टेटस है वुमेन का सो so, जो वुमेन है ओनली टेन परसेंट टोटल मेंबर्स हैं लोकसभा में वो वेमेन हैं और सिचुएशन स्टेट असेंबलीज में और ख़राब है वहाँ पर सिर्फ फाइव परसेंट है ये फर्स्ट आंसर है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल इन इंडिया इन द सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसका क्या स्टेटस है वो पेंडिंग है इट इज स्टिल पेंडिंग सिंस पास डेकेंड नाउ व्हाट इज़ द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ वुमेन वर्किंग इन इंडिया जो इकोनॉमिक स्टेटस है वुमेन का वो क्या है वो ये है कि दे uh, वुमेन वो एंटर कर चुकी है ऑलमोस्ट हर फील्ड में लेकिन स्टिल उन्हें कम पे किया जाता है एंड जो हाईली प्रोपोर्शन जॉब्स हैं हाईली हाई पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पर वुमेन का प्रोपोर्शन अभी भी कम है स्टडीज़ शो करती है कि वो मेल से ज़्यादा काम करती है स्टिल उनको कम पे किया जाता है ये इकोनॉमिक स्टेटस है आंसर नंबर थ्री ओके नेक्स्ट ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं ये जैसे ये क्वेश्चन ये होगा इकोनॉमिक्स से है ये देन ये हिस्ट्री से है अभी ये एक और पैराग्राफ है uh, ये सिविक से होगा शायद हाउ इट हाउ इज इट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज मोर इनकम दैन द एवरेज पर्सन इज केरला बट लैक्स बिहाइंड इन दीज क्रूशल एरियाज द रीजन इज मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल So, income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. For example, normally we your money cannot buy your pollution-free environment or ensure that you get un, unadulterated medicines unless you can afford to shift a, to a community that already has all these things. Money may also not, able, not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community takes preventive steps. Okay, why income is बाय इट्स सेल्फ इज इनकम अकेली काफ़ी क्यों नहीं है एक मटीरियल गुड्स या सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं उसके लिए बिकॉज मनी जो हमारी पॉकेट में है वो वो सभी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं खरीद सकती जो हमें अच्छे से ज़िंदा रह जीवित रहने के लिए चाहिए जैसे पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट वो नहीं खरीद सकती है आप जो अन एडल्ट्रेटिड की मेडिसिन में कोई मिलावट ना हो बिना मिलावट के मेडिसिन आप नहीं खरीद सकते हैं भले ही पैसे आपके पास लेकिन खरीदेंगे भाई जो अवेलेबल है भले ही अगर आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए तो इतने पैसे आपके पास हो कि आप उन एरियाज़ में चले जाए जो पोल्यूशन फ्री है बट जहाँ पर आप हैं वहाँ पर वो आप नहीं परचेज कर सकते तो इसलिए कहा गया कि मनी अकेली एडिक्वेट इंडिकेटर नहीं है सभी मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज का इज हरियाणा हैविंग मोर इनकम दैन केरला हरियाणा में इनकम केरला से ज़्यादा है देन देन देन, सेंटेंस ये जो आपका पैराग्राफ है यहीं से स्टार्ट हुआ है इससे पहला पॉइंट फॉर मिसिंग है तो सिंपल है क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज ज्यादा है अर्बन एरियाज है बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आईटी फाइनेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं ये सब आप लिख देंगे सो हरियाणा इज हैविंग मोर इनकम दैन केरला बिकॉज ड्यू टू हायर वेजेस इन इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज एंड अर्बन एरियाज ड्यू टू Urban areas and uh, better employment opportunities in IT sector, employment opportunities in IT, finance, and manufacturing sector. Now, what are the things money cannot buy? Your money cannot buy your pollution free environment or ensure that you get unadulterated medicines unless you can afford ticket. Next. Now, section F map based questions. टू प्लेस ए एंड बर मार्क्ड ऑन द ऑन द आउट लाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आइडेंटीफाई दीज प्लेज विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग इनफॉर्मेशन एंड राइट देर करेक्ट नेम्स ऑन द लाइन मार्ग नियर देम तो दो इंडिया का मैप आपको गिवन होगा इसमें नहीं है ये हटा दिया होगा बच्चे ने इसने क्वेश्चन पेपर सेंट किया है एनी वेज तो आपको बताना है वो प्लेस द प्लेस वेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड इन सेप्टेंबर नाइनटीन ट्वेंटी सेप्टेंबर नाइनटीन ट्वेंटी में नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा में ये अभी हम मैप में भी देख लेंगे अ प्लेस वेयर कॉटन मिल वर्कर्स सत्याग्रह took प्लेस कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद में ओके okay, दोनों प्लेसेस देखते हैं आप पर इस तरह से होगा यहां पर आपको एक लाइन दी होगी ए लिखा होगा फिर यहां पर बी लिखा होगा ठीक है तो ये प्लेसेस आप बता देंगे ये है कैलकटा और ये है अहमदाबाद ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सेम मैप पर आपको लोकेट करना है एंड लेबल द फॉलोइंग विद सूटेबल सिम्बल्स एरिड सॉइल एरिड सॉइल ये वेस्टर्न राजस्थान में आपको मिलेगी थोड़ा सा पार्ट ऑफ हरियाणा में भी टहरी डैम ये उत्तराखंड में है एंड एक रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया में जो अप्रॉक्स सेवेंटी परसेंट रबर है वो केरला से आती है तो केरला टेहरी डैम और एरिड साइल के जो एरियाज हैं वो और आपको बताने हैं तो इसी मैप पर इस तरीके से आप कर देंगे एग्जैक्ट रीजन तो नहीं मिलेगा ये है रीजन ऑफ एरिड्स ऑयल एरिड ऑयल देन तेहरी डैम डैम एंड थर्ड था कि लार्जेस्ट जो रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है ये आंसर नंबर थ्री केरला ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था अब uh, ये क्वेश्चन हैं उन बच्चों के लिए जो मैप नहीं फिल कर सकते विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए नेम द प्लेस वेयर इंडियन वो प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था सेप्टेम्बर नाइनटीन ट्वेंटी में सो क्यालकटा क्यालकटा देन द प्लेस बिहार में वो प्लेस जहाँ पर गांधी जी ने इंडिगो मोवमेंट स्टार्ट किया था चंपारण चंपारन आंसर द फॉलोइंग वेयर एरिड सॉइल इज फाउंड एरिड सॉइल मिलती है वेस्ट राजस्थान uh, में पार्ट ऑफ गुजरात में भी सलाल डैम इज लोकेटेड इन विद स्टेट सलाल डैम ये जम्मू एंड कश्मीर में है चिनाब रिवर के ऊपर नेम द रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट हो जाएगा केरला ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था नाइन्थ टेंथ क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग